मित्रों स्वागत है आप सर्वनु तमारी पोतानी YouTube चैनल में। आज आपणे धोरण चार ना हिंदी विषय नी गाला स्वाध्यायपोथी ना पाठ नंबर पांच नु संपूर्ण सॉल्यूशन अपने आ वीडियो में जोशू। अपने आ चैनल में धोरण चार ना गाला स्वाध्यायपोथी ना बधाज पाठ ना सॉल्यूशन नी लिंक तमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स नी अंदर मळी जशे। तो चलो अपने शुरू करिए धोरण चार ना हिंदी विषय नी गाला स्वाध्यायपोथी ना पाठ नंबर पांच नु सॉल्यूशन। जो विद्यार्थी मित्रों धोरण चार ना हिंदी विषय नी गाला स्वाध्यायपोथी ना पाठ नंबर पांच नो वीडियो तमे तमारा मित्रों दोस्तों ने जरूर थी शेर करजो। जोईए आपणे तेनुं सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर एक, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। नंबर एक, हाथी खाली जगह चलता है धम धम। नंबर बे, हाथी अपनी खाली जगह हिलाता है तो जवाब आवशे खाली जगह में सुन। नंबर त्रण, हाथी पानी में जाकर खाली जगह है तो जवाब आवशे खाली जगह में नहाता। नंबर चार, हाथी खाली जगह खाता है तो जवाब आवशे केले। आगळ जोईए प्रश्न नंबर बे, सही वाक्यांश चुनकर लिखिए। नंबर एक, हाथी पानी में जाकर तो जवाब आवशे क, सूंड भर भर कर नहाता है। नंबर बे, हाथी यह नहीं बताता कि जवाब आवशे अ, वह कितने केले खाता है। अगर जो है प्रश्न नंबर त्रण, सही विधान के सामने सही का चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। नंबर एक, हाथी की दो सूंढे होती है गलत। नंबर दो, हाथी के तीन दांत होते हैं गलत। नंबर तीन, हाथी की पूंछ लंबी होती है गलत। नंबर चार, हाथी की सूंड छोटी होती है गलत। नंबर पाँच, हाथी अपनी सूंड हिला नहीं सकता गलत। और नंबर छः, हाथी पानी में जाने से डरता है गलत। और नंबर सात, हाथी केले खाता है सही। अगर जो है प्रश्न नंबर चार, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर एक, हाथी किस तरह आता है, हाथी धम धम करता आता है। नंबर बे, हाथी पानी में जाकर क्या करता है, हाथी पानी में जाकर नहाता है। नंबर त्रण, नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है, नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। त्यार पछी नंबर चार, हाथी क्या खाकर किसको बताता नहीं है, हाथी केले खाकर किसी को बताता नहीं है। नंबर पाँच, हाथी पानी कहाँ डालता है क्यों, हाथी पानी अपने ऊपर डालता है क्योंकि वह नहाना चाहता है। अगर जो है प्रश्न नंबर पाँच, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। जब पानी में जाता हाथी भर भर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी यह तो नहीं बताता हाथी। अगर जो है प्रश्न नंबर छह, पढ़िए और लिखिए। धम्मक, सूंड, केले, नहाना और हाथी। प्रश्न सात, अ उदाहरण के अनुसार विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। जो ये उदाहरण में आपेलू छे ते प्रमाणे जो ये विरुद्धार्थी शब्द। नंबर एक, आना जाना। नंबर बे, छोटा बड़ा। नंबर त्रण, ऊंचा नीचा। नंबर चार, पकड़ना छोड़ना। आगळ जो ये ब, इन विरुद्धार्थी शब्दों से वाक्य बनाइए। जो ये उदाहरण में आपेलू छे ते रीतना वाक्य बनावाना छे। नंबर एक, मंदिर में कुछ लोग आना चाहते थे। मंदिर में कुछ लोग जाना चाहते थे। नंबर बे, मेरा एक भाई मुझसे छोटा है। जवाब आवशे मेरा एक भाई मुझसे बड़ा है। नंबर त्रण, गिरनार ऊंचा पर्वत है। जवाब आवशे चोटीला नीचा पर्वत है। नंबर चार, मगर आदमी को पकड़ना है तो जवाब आवशे एक बार पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं है। अगर जो है प्रश्न नंबर आठ, चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। अहीं जो चित्र आपेला छे ते परथी एक कहानी लखवानी छे। जो ये कहानी, जंगल में एक सिंह रहता था। बहुत से अन्य जानवर भी रहते थे। सिंह जानवरों को अपनी मर्जी के अनुसार मार कर खा जाता था। सभी जानवरों ने इकट्ठे होकर सिंह से कहा कि वे रोज एक जानवर भेजेंगे। एक दिन खरगोश की बारी आई। उसने समझदारी से काम लिया। वह जानबूझकर सिंह के पास डर से पहुंचा। भूखा सिंह गुस्से में था। खरगोश ने कहा, रास्ते में एक दूसरा सिंह मिल गया था, उसने मुझे रोक दिया था। सिंह भड़क कर उठा।
उसने कहा, चल दिखा मुझे वह सिंह कहाँ है। खरगोश सिंह को एक कुएं के पास ले गया। उसने सिंह को कुएं के अंदर देखने के पास ले गया और उसने सिंह को कुएं के अंदर देखने के लिए कहा। सिंह ने कुएं में झांका। कुएं के पानी में उसने अपनी परछाई देखी। उसने उसी को दूसरा सिंह समझ लिया। उसको मारने के लिए वह कुएं में कूद पड़ा और मर गया। इस तरह बुद्धिमानी से खरगोश ने अपनी जान बचाई। अगर जो है प्रश्न नंबर 9, चित्र में हाथी के कुछ अंग नहीं है, इन्हें पूर्ण कीजिए और चित्र में रंग भरिए। जो तुम्हारे पूर्ण करवानो छे अने सरस मजानो रंग पूरवानो छे। प्रश्न नंबर 10, अनुलेखन कीजिए। અહીં જે વાક્ય આપેલું છે તેવું જ તમારે વાક્ય નીચે જોઈને સારા અક્ષરે લખવાનું છે। તો જોઈએ નંબર 1 ઉપર આપેલું છે, સતીશને કહા મેં અંબાજી જા રહા હું। નંબર 2, તુમ અભી કહા જા રહે હો। નંબર 3, મેં કબડ્ડી ખેલુંગા। નંબર 4, મેદાનમાં એક ભી લડકા નહીં હૈ। तो फरी मळीशुं आपणे धोरण 4 ना हिंदी विषयनी गाला स्वाध्याय पोथीना पाठ नंबर 6 ना संपूर्ण सोल्यूशन साथे। आपणी आ चेनल ने लाइक अने शेर करवानुं भूलशो नहीं। आ गाला स्वाध्याय पोथीना बधा ज पाठना वीडियो व्हाट्सएप में प्राप्त करवा माटे आपणा व्हाट्सएप ग्रुप में जरूरथी जोड़ाई जजो, जेनी लिंक तमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स नी अंदर मळी जशे।